दिस ललन टॉप वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। करीब 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने की कवायद के बीच अब एक नया खुलासा हुआ है। एंटीगा के प्रधानमंत्री गस्तोन ब्राउन ने मेहुल को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। कहा है कि एंटीगा से लापता हुआ मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गया था, ऐसा पता चला है। ये दावा ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत से एक विमान डोमिनिका पहुंचा है। चर्चा है मेहुल को लाने के लिए गया है। एंटीगा के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय अधिकारी मेहुल चोकसी को कस्टडी में लेने के लिए डोमिनिका पहुंच चुके हैं। डोमिनिका के अधिकारियों को सारे कागजात सौंप दिए गए हैं। उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश हो रही है कि मेहुल चोकसी भगोड़ा है और उसे सीधे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाए। एक इंटरव्यू में गस्तोन ब्राउन ने कहा, मेहुल चोकसी ने गलती कर दी है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। अब उसे भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। एंटीगा के प्रधानमंत्री मेहुल चोकसी के गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका जाने की बात कर रहे हैं। वहीं मेहुल के वकील इस पूरी घटना की अलग ही कहानी बता रहे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक मेहुल चोकसी ने वकील के जरिए आरोप लगाया कि भारत से जुड़े कुछ लोग उसे 23 मई को अगवा करके डोमिनिका ले गए थे। इसमें एंटीगा के अधिकारी भी शामिल थे। चोकसी के वकील का भी ये आरोप है कि इस दौरान मेहुल चोकसी को बुरी तरह से पीटा गया। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने रविवार को इंडिया टुडे से कहा, ये सभी थ्योरी कि मेहुल चोकसी खुद एंटीगा से भागकर कहीं जा रहा था कॉमन सेंस के उलट हैं। पहली बात तो ये कि एंटीगा में रहने में ही उसका हित है। मुझे जानकारी मिली है कि उसका पासपोर्ट एंटीगा में ही है। कोई भी अपना पासपोर्ट जेब में लिए बगैर भागने की कोशिश नहीं करेगा। एंटीगा के पुलिस चीफ ने मेहुल चोकसी के वकील के आरोपों से साफ इनकार किया है। मेहुल के अपहरण के आरोपों के बाद इंडिया टुडे ने डोमिनिका पोर्ट पर मौजूद एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जो डोमिनिकन अथॉरिटीज के साथ काम करता है। इस व्यक्ति ने 25 मई को दो लोगों को डोमिनिका में एंट्री का इंतजाम किया था। इस व्यक्ति का नाम है एंड्रियो। हालांकि एंड्रियो ने मेहुल चोकसी के बारे में जानकारी होने से साफ मना कर दिया है। एंड्रियो का कहना है कि भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक और एक भारतीय नागरिक डोमिनियन पोर्ट पर आए थे। चूंकि कोविड की वजह से कस्टम क्लियरेंस के नियम बदल गए, इसलिए उन्हें एंट्री नहीं मिल सकी। डोमिनिका में इस वक्त एंट्री के लिए पहले 14 दिन क्वारंटीन रहने का नियम है। ऐसे में ये दोनों लोग सेंट लूसिया नाम के पड़ोसी द्वीप पर गए और वहां से वापस चले आए। वो दोनों लोग कहां गए और कौन थे, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि यही वो लोग थे जो 25 मई को डोमिनिका आए और मेहुल को अगवा किया। फिलहाल मेहुल चोकसी की कथित किडनैपिंग और उत्पीड़न का मामला डोमिनिकन हाई कोर्ट के सामने है। कोर्ट में 2 जून को सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने मेहुल चोकसी को किसी भी दूसरे देश को सौंपने पर रोक लगा दी है। डोमिनिकन अधिकारियों के मुताबिक मेहुल चोकसी की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद उसे पुलिस हिरासत में डोमिनिका के एक अस्पताल में रखा गया है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।